Hello everyone, welcome back to my channel All in One. So I am Dimple Gaur and I am here with a new video again. So आज की वीडियो का टॉपिक है एक करियर चॉइस के बारे में. सो वो करियर चॉइस है हेयर स्टाइलिश. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक हेयर स्टाइलिश बनना होता है, बट दे एक्चुअली डू नॉट नो द प्रोसेस. उनको प्रोसेस का कोई आइडिया नहीं होता कि हम एक हेयर स्टाइलिश कैसे बन सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम एक हेयर स्टाइलिश कैसे बन सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी कंप्लीट डिटेल, उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग. सो वी विल टॉक एवरीथिंग इन डिटेल इन द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो हियर इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हाउ टू बी अ हेयर स्टाइलिश. तो अब मैं आपको डिटेल में एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी कि इसका क्या कोर्स होता है, इसकी कितनी ड्यूरेशन होती है, हम कैसे बन सकते हैं हेयर स्टाइलिश. अब मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेयर स्टाइलिश. सो हेयर स्टाइलिश एक प्रोफेशन होता है जो कि सैलून लाइन से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अ हेयर स्टाइलिश. तो अगर मैं एक क्वालिफिकेशन की बात करूँ हेयर स्टाइलिश बनने के लिए, सो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि आपको पूरी करनी है. अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है, या फिर आपने MA कर रखी है, या फिर कोई भी एजुकेशन, सो आप भी एक हेयर स्टाइलिश बन सकते हैं. बट यहाँ पर हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप 10th पास हैं, सो इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट बिकम. अगर आप 10th पास हैं तो आप तब भी एक हेयर स्टाइलिश बन सकते हैं. बट यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. अगर आप एक अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन है, अगर आपने 12th कर रखी है, या फिर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो यहाँ पर आपके प्रोफेशन में थोड़ा बहुत ये मैटर कर जाएगा. क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो, इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज नाउ डेज. सो इंग्लिश, जैसे आप कस्टमर से बात करते हैं तो इंग्लिश, अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बोलते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा मैटर करेगी वहाँ पर. क्योंकि जो कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स रिच कस्टमर्स हैं या फिर बहुत अगर वो इंग्लिश बोलने वाले कस्टमर्स हैं, तो आपकी एजुकेशन यहाँ पर थोड़ा सा मैटर कर सकती है. कि अगर आपको इंग्लिश आती है या फिर आपका बोलने का तरीका, आपको लगता है कि आप नॉलेजेबल हैं चीज़ों को लेकर, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैटर कर सकता है. अदरवाइज़ आपको हेयर स्टाइलिश बनने के लिए कोई स्पेसिफिक कोई एजुकेशन नहीं प्राप्त करनी है. मीन्स यहाँ पर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ट्वेल्थ क्लियर हैं तभी आप हेयर स्टाइलिश बन सकते हैं. तो आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, या फिर आप MA कर चुके हैं, या फिर कोई भी एजुकेशन कर चुके हैं, आप हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप्स टू बी अ हेयर स्टाइलिस्ट. तो यहाँ पर अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी एजुकेशन का मैटर नहीं है इतना. आप अगर ग्रेजुएटेड हैं तब भी कर सकते हैं, 10th पास हैं तब भी कर सकते हैं. और नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैं बताऊँगी आपको कि हेयर स्टाइलिश के लिए आपको कोई कोर्स अगर करना है, आप कोर्स भी कर सकते हैं. यहाँ पर दो चॉइसेस हैं आपके पास, कोर्स भी कर सकते हैं. और सेकंड ऑप्शन है कि आप किसी अच्छे सैलून में जाके आप किसी के साथ मतलब जो ऑलरेडी एक हेयर स्टाइलिश है, आप वहाँ पर एक हेल्पर की तरह काम कर सकते हैं. मीन्स आप बिल्कुल बेसिक, आप बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं. काइंड ऑफ इंटर्नशिप मीन्स आप किसी प्रोफेशनलिस्ट के अंडर काम कर सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि मुझे ये काम सीखना है, देन यू वर्क फॉर सम टाइम. आप उस चीज़ को सीखते हैं, आप पैसे भी दे सकते हैं उनको को सीखने के, और आप वट एवर इज़ द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड द वर्कर मीन्स द प्रोफेशनल पर्सन. तो ये आपके आपके बीच की बात है कि आप आपसे कोई पैसे लेता है या आपको कोई फ्री सिखाता है. सो दैट्स अप टू यू. नेक्स्ट इज व्हाट कोर्स नीड टू बी डन. सो मैंने आपको बताया यहाँ पर दो चॉइसेस हैं. आप अगर आप कोर्स नहीं करना चाहते तो आप किसी प्रोफेशनल के अंडर एक हेल्पर की तरह स्टार्ट कर सकते हैं ये काम. और दूसरा है कि आप एक कोई कोर्स कर सकते हैं. तो एक कोर्स जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, हेयर डू का कोर्स होता है. इसमें हेयर डू के कोर्स में इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएंगी कि हेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, आपको कटिंग कैसे करनी है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ कटिंग होती है वो कैसे आपको अप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन टू बी अ हेयर स्टाइलिश. तो मैंने जैसे बताया इसका कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आप कब एक पर्टिकुलर टाइम में आप एक हेयर स्टाइलिश बन सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप जो अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, और ये आपकी यू कैन से दैट अबिलिटी के ऊपर है.
अपने आपकी स्किल के ऊपर है, मीन्स आप कितना अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में, ये आपको कस्टमर्स फीडबैक देकर आपको खुद ही बता देंगे। मीन्स अगर जैसे मेरा काम, अगर मैं एक हेयर स्टाइलिश हूँ तो मैं जिस तरीके का काम कर रही हूँ, कस्टमर्स मुझे फीडबैक देंगे, ये मेरे कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं, मैं इस चीज़ को कितना किसी को बता सकती हूँ, कितना मेरा काम किसी को पसंद आया, सो इस हिसाब से मैं एक अच्छे लेवल की एक हेयर स्टाइलिस्ट बन सकती हूँ। ये सारी चीज़ें, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके सब पास सर्टिफिकेट है आप तभी एक हेयर स्टाइलिस्ट कहलाएंगे, ये जाहिर सी बात है आपको एक, या आपको अगर आप कोर्स करें तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है और अगर आप अच्छा काम नहीं करते, सो देन ऑल्सो यू आर नॉट अ प्रोफेशनलिस्ट, और यू कैन नॉट से यू कैन से दैट यू आर नॉट अ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपकी आपके हाथ के ऊपर है, आप कितना अच्छा काम करते हैं, लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको इसको अगर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, जैसे कि आप बॉलीवुड में देख सकते हैं, आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं इनके पास एक हेयर स्टाइलिश होता है, तो ये लोग भी कोई कोर्स करते हैं या फिर बहुत सारे यहाँ पे जैसे लॉरियल हो गया, ये इनमें कॉम्पिटिशन चलता है, सो यहाँ पर इन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेकर अगर आप विन करते हैं सो आपको मौका मिलेगा कि आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, या फिर कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, और या फिर इंडिया में भी हो सकते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री भी हैं, जहाँ से आप अगर आप कोर्स करते हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत सारे अच्छे लिंक होते हैं, मीन्स वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, सो आप धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना काम प्रमोट कर सकते हैं किसी को बता कर कि आई डू दैट, यू कैन मेक योर पोर्टफोलियो, आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, आप किसी को बता सकते हैं, तो इस तरीके से जैसे जैसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं आप उसी तरह से अपना लेवल चेंज कर सकते हैं इसमें। तो ये थी पूरी जानकारी एक हेयर स्टाइलिश बनने के बारे में, कि आप एक अच्छा हेयर स्टाइलिश और आप ये करियर कैसे चूज़ कर सकते, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप एक अच्छी और या फिर अच्छा हेयर स्टाइलिश कैसे बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।